नमस्कार दोस्तों, कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ख्याति सेठी। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं ख्याति सेठी आपके लिए ला रही हूं कहानियों का पिटारा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपके लिए ला रही हूं कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट। सो फ्रेंड्स, कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट को लाने के तीन रीजन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट तो ये कि हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि हमारे पास कहानी पढ़ने का टाइम ही नहीं है। पहले के टाइम की बात की जाए तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहानियाँ सुना दिया करते थे और उन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। लेकिन अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम बच्चों को या खुद कहानियाँ पढ़ा सके या पढ़ सके। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पॉडकास्ट के द्वारा आपको कहानियाँ सुनाई जाएं। सो फ्रेंड्स, ये तो था फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट को लाने का ये है कि मेरा मानना है कि जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन में आने लगते हैं और हमारा नेचर भी वैसे ही बन जाता है। और अगर आप अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनेंगे तो आपके नेचर में, सोच में ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा बदलाव तो जरूर आएगा। और हाँ, गांधी जी ने भी तो कहा है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मतलब अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए और अच्छा सुनिए। तो दोस्तों, अच्छा तो मैं आपको कहानियों के रूप में सुना दूंगी, लेकिन अच्छा देखना और बोलना वो आप पर डिपेंड करता है। और अब अगर बात की जाए इस पॉडकास्ट को लाने की थर्ड और लास्ट वजह, तो वो ये है कि मुझे कहानियाँ सुनाने में मजा आता है। मुझे अच्छा लगता है कहानियाँ सुनाना। अगर मैं कहूँ ये मेरा पैशन है तो ये गलत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, यही तीन कारण है जिस वजह से मैं आपके लिए ला रही हूँ बेहद ही रोमांचक, मजेदार, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियों का पिटारा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक लास्ट बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि इस कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट में तो बच्चों वाली कहानियाँ होंगी, कवर आर्ट और नाम से साफ साफ पता लग रहा है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जो कहानियाँ होती है ना, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती। कहानियाँ हम सबके लिए होती हैं। दोस्तों, मायने ये नहीं रखता कि कहानियाँ बच्चों वाली हैं या बड़ों वाली, छोटी हैं या बड़ी। मायने ये रखता है कि हमने कहानी से सीख क्या ली, हमने कहानी से क्या लेसन सीखा। दोस्तों, भले ही ये छोटी और बच्चों वाली कहानी है, लेकिन कई बार यही छोटी छोटी बच्चों वाली कहानियाँ ही हमारे जीवन में बहुत बदलाव ले आती हैं, हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं, और इस बात का एहसास हमें बाद में होता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि कहानियाँ सभी के लिए होती हैं, मींस स्टोरीज फॉर एवरीवन। सो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कहानियाँ आपको कुछ सीख देंगी तो कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सुनते रहे मेरे यानी ख्याति सेठी के साथ कहानियों का पिटारा पॉडकास्ट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे सेफ एंड टेक केयर।